कांग्रेस सरकार ने निभाया घोषणा पत्र का एक और वादा। आदिवासियों के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री कवासी लखमा की पहल पर 413 निर्दोष आदिवासियों को जेल से रिहा किया गया है। इन्हें फर्जी नक्सल मामलों में गिरफ्तार किया हुआ था। सुकमा जिले के 110 नक्सल प्रकरणों में से 60 मामलों का निराकरण कर फर्जी नक्सल केसों में जेल में बंद 413 आदिवासियों को रिहा किया गया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के अच्छे दिन आ गए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि वह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जेलों में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई करवाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ को नई राह पर लेकर जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को मिल भी रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक साथ 413 आदिवासी जेल से रिहा हुए हैं। अभी सिर्फ आबकारी एक्ट में गिरफ्तार हुए आदिवासी रिहा किए जाते रहे हैं।